Hello as friends, welcome to the Nucleus of Knowledge Academy. We are infinite. Once again I am coming with my next lecture number 20 of science. Today I am going to discuss with you all important measurement instrument that is most important as per your JKSSB point of view, account assistant and class 4th, and your SSC and RRB NTPC and other government exams. I have tried to cover all the important measurement इंस्ट्रूमेंट, right? इसमें हमारे पास साइंस में जितने भी मेजरमेंट यूनिट्स इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं फॉर मेजरिंग डिफरेंट यूनिट्स क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए जो यूज़ होते हैं वो मैंने इसमें सारे कवर करे हैं इस वन वीडियो में, right? और जल्दी से आप भी अपना पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ ताकि इसमें मैं हर एक यूनिट जो है मीन्स कि मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट जो है, यूनिट नहीं मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट जो है वो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, राइट? और एक और चीज़ बता दूँ आपको, हर एक एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी हो, जेकेएसएसबी हो, आरआरबी हो, एनटीपीसी हो, इवन कि यूर केएस यूपीएस, उसमें आपको मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन ज़रूर आता है. इसलिए आपको ये टॉपिक जो है आप गारंटी ले लो, इसमें 1 मार्क का क्वेश्चन आपका जो अभी जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम होने वाले हैं, अकाउंट असिस्टेंट क्लास 4, एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी एंड अदर एग्ज़ाम, उनके लिए ये 1 नंबर का क्वेश्चन उसमें आएगा. और एक और चीज़ बता दूं, हमारा जो है 150 लेक्चर्स हो चुके हैं, वीडियो लेक्चर्स, चाहे वो अकाउंट असिस्टेंट के हो, क्लास 4 के हो, एसएससी के हो, सबको मिला के हमारे 150 वीडियो लेक्चर्स हो चुके हैं, दैट इज़ टोटली जो फ्री ऑफ कॉस्ट है. और इसमें हमारे पास अकाउंट असिस्टेंट के 100 लेक्चर्स हो चुके हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो सारे जितने भी लेक्चर्स हैं, राइट? तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं. और एक और चीज़ मैं बता दूं, इसका पीडीएफ जो है आपको शाम तक हमारे टेलीग्राम जो चैनल है वहाँ पर आपको मिल जाएगा. टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है, कमेंट्स में दिया है वहाँ पर. और अपना लाइक कमेंट्स ज़रूर करें इस वीडियो के ऊपर ताकि हमें भी पता चले कि हमारे साथ कितने जो बच्चे हैं जुड़ रहे हैं. चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम. तो ऑल इम्पॉर्टेंट मेजरमेंट यूनिट, सो सबसे पहला आपका जो मेजरमेंट यूनिट आता है दैट इज़, सबसे पहले जो आपका यूनिट आता है वो आता है आपका एक्सेलरोमीटर, ठीक है, एक्सेलरोमीटर. इसके साथ हम क्या मेजर करते हैं? एक्सेलेरेशन. सेकेंड वन इज़ योर एक्टिनोमीटर, राइट? एक्टिनोमीटर, इससे हम क्या मेजर करते हैं? हीटिंग पावर ऑफ सनलाइट. नेक्स्ट इज़ योर अल्कोहलोमीटर, अल्कोहलोमीटर, इससे हम अल्कोहलिक स्ट्रेंथ ऑफ ए लिक्विड मेजर करते हैं. कि अगर जैसे सिंपल सा एग्जांपल दे दो, अल्कोहलिक मीटर से हम क्या, जैसे अभी हमारे पास क्या चल रहे हैं, सैनिटाइज़र चल रहे हैं, और अगर हमें उसमें वी हैव टू फाइंड, क्योंकि सैनिटाइज़र में क्या है, अल्कोहल का यूज़ होता है, तो इफ़ वी हैव टू फाइंड द स्ट्रेंथ कि हमारे पास कितना क्वांटिटी अल्कोहल उस सैनिटाइज़र में प्रेजेंट है, तो हम किसके साथ यूज़ करेंगे, किसका यूज़ करेंगे? अल्कोहल मीटर. नेक्स्ट इज़ योर अल्टीमीटर. अल्टीमीटर से हम क्या मेजर करते हैं? अल्टीमीटर से हम मेजर करते हैं एल्टीट्यूड, राइट? अल्टीमीटर से हम मेजर करते हैं एल्टीट्यूड. तो नेक्स्ट आपका जो है, नेक्स्ट आपका जो है दैट इज़ एमीटर. एमीटर से हम क्या मेजर करते हैं? एमीटर से हम मेजर करते हैं इलेक्ट्रिक करंट. ये बहुत बार क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट, तो उसमें डिफरेंट आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे. नेक्स्ट जो है आपका वो है आपका एनेमोमीटर. एनेमोमीटर से हम क्या मेजर करते हैं? विंड स्पीड. नेक्स्ट इज़ योर एंड एटमोमीटर. एटमोमीटर से हम रेट ऑफ इवेपोरेशन को मेजर करते हैं. नेक्स्ट इज़ योर ऑडियोमीटर. ऑडियोमीटर से हम हेयरिंग को मेजर करते हैं. नेक्स्ट इज़ योर बर्कोमीटर. बर्कोमीटर से हम टैनिंग लिक्वर्स यूज इन द टैनिंग लेदर में हम मेजर करते हैं. नेक्स्ट इज़ योर बैरोमीटर. बैरोमीटर से हम एयर प्रेशर को मेजर करते हैं. नेक्स्ट इज़ योर बैट्सोमीटर. बैट्सोमीटर से हम इंटीग्रिटी ऑफ फैब्रिक कवरिंग ऑन एयरक्राफ्ट मेजर करते हैं. नेक्स्ट इज योर बेवामीटर. बेवामीटर से हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल को मेजर करते हैं। नेक्स्ट इज योर बोलोमीटर। बोलोमीटर से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को मेजर करते हैं। नेक्स्ट इज योर कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर से हम हीट ऑफ केमिकल रिएक्शन मेजर करते हैं। नेक्स्ट इज योर कैथ्योमीटर। कैथ्योमीटर से हम वर्टिकल डिस्टेंस को मेजर करते हैं, ये जो हमारे वर्टिकल डिस्टेंस होता है कहीं पे भी। नेक्स्ट इज योर सेल्यूमीटर। सेल्यूमीटर से हम हाइट ऑफ द क्लाउड बेस मेजर करते हैं। नेक्स्ट इज योर क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर से हम टाइम को मेजर करते हैं। क्लैपोमीटर से हम वॉल्यूम ऑफ एप्लॉज मेजर करते हैं। क्लैपोमीटर, राइट, देखो क्लैपोमीटर मीन्स की जितनी भी क्लैप्स होती हैं उसका जो वॉल्यूम है उसको मेजर करते हैं। नेक्स्ट इज योर कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर से कॉलोरीमीटर से हम कलर को मेजर करते हैं। नेक्स्ट इज योर क्रीपोमीटर। क्रीपोमीटर से हम स्लो सरफेस डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं, राइट। नेक्स्ट इज योर डेक्लियोमीटर। डेक्लिनोमीटर से हम मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन को मेजर करते हैं। नेक्स्ट इज योर डेंसीमीटर। डेंसीमीटर से हम मेजर करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड्स को हम मेजर करते हैं, किसके साथ? डेंसीमीटर से। नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे है डेंसिटियोमीटर से हम डिग्री ऑफ डार्कनेस इन द फोटोग्राफिक मेजर करते हैं। नेक्स्ट आपका है इसमें मैंने सब जितने भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है सब कवर करें हैं, सब ठीक है। इनमें से आपका 110% गारंटी है कि आपका इसमें से मेजरिंग यूनिट अगर कोई आया होगा तो यहाँ से आपका उसका क्वेश्चन ज़रूर निकल जाएगा, राइट। या पढ़ लोगे और कुछ पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट आपका रहेगा वेट, नेक्स्ट आपका है डिफ्रैक्टोमीटर। डिफ्रैक्टोमीटर से हम स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल्स को मेजर करते हैं। डिलैलोमीटर से हम मेजर करते हैं वॉल्यूम चेंजेस कॉज बाय फिजिकल एंड द केमिकल प्रोसेस से। डिस्डेड्रोमीटर से हम साइज, स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ द रेन ड्रॉप्स मेजर करते हैं। ये मेरा 20th लेक्चर और ऑलरेडी 19 लेक्चर हो चुके हैं आपके साइंस के। डोसीमीटर से हम मेजर करते हैं एक्सपोजर टू हैज़र्ड, एसेप्शली रेडिएशन। ड्यूरोमीटर से हम हार्डनेस मेजर करते हैं। डायनामीटर से हम मैग्नीफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप को मेजर करते हैं। नेक्स्ट इज डायनोमीटर, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इससे हम मेजर करते हैं फोर्स और टॉर्क को मेजर करते हैं। नेक्स्ट इज हेलियोमीटर से हम स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल्स को मेजर करते हैं। नेक्स्ट इज योर इलेक्ट्रोमीटर। इलेक्ट्रोमीटर से हम इलेक्ट्रिक चार्ज को मेजर करते हैं। नेक्स्ट इज योर एडियोमीटर से हम चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ गैस मिक्सचर फॉलोइंग कंबशन को मेजर करते हैं। नेक्स्ट इज योर इवेप्योमीटर। इवेप्योमीटर से हम रेट ऑफ इवेपोरेशन को मेजर करते हैं, रेट ऑफ इवेपोरेशन। नेक्स्ट इज द गैल्वेनोमीटर, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। गैल्वेनोमीटर से हम मेजर करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट इज योर गैस साइक्नोमीटर से हम वॉल्यूम एंड डेंसिटी ऑफ सॉलिड को मेजर करते हैं। नेक्स्ट इज योर ग्राफोमीटर। ग्राफोमीटर से हम एंगल्स को मेजर करते हैं। नेक्स्ट जो है आपका हेलियोमीटर है। हेलियोमीटर से हम वेरिएशंस ऑफ द सन डायामीटर मेजर करते हैं। नेक्स्ट इज योर हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से हम स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड को मेजर करते हैं। नेक्स्ट इज योर हिग्रोमीटर, इससे हम मेजर करते हैं ह्यूमिडिटी प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ये जो आपके 4-5 थे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंकोमीटर से हम मेजर करते हैं इंक। नेक्स्ट इज योर इंफ्रोमीटर से हम वेव इंटरफेरेंस को मेजर करते हैं। नेक्स्ट इज योर कैथ्रोमीटर से हम कंपोजिशन ऑफ गैसेस को मेजर करते हैं। लैक्टोमीटर से हम स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क को मेजर करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है लैक्टोमीटर। लाइट मीटर से हम मेजर करते हैं लाइट को इन फोटोग्राफिक में। नेक्स्ट मैग्नेटोमीटर से हम स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड मेजर करते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मोनोमीटर से हम प्रेशर को मेजर करते हैं। मास स्पेक्ट्रोमीटर से हम मास ऑफ आयंस यूज टू आइडेंटिफाई से हम इसको मेजर करते हैं, राइट। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है नेक्स्ट हमारे पास जो यूनिट बच रहे हैं वो है आपके पास मल्टीमीटर। नेक्स्ट इज योर मल्टीमीटर। नेक्स्ट इज योर मल्टीमीटर। मल्टीमीटर से हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल रेजिस्टेंस इन करंट को मेजर करते हैं। नेक्स्ट इज योर नेफ्लियोमीटर, से हम पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड को मेजर करते हैं। नेक्स्ट इज ऑडियोमीटर, डिस्टेंस बहुत कॉमन है। ओहमीटर से हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं। ऑस्मोमीटर से हम ऑस्मोटिक स्ट्रेंथ ऑफ द सोल्यूशन, कोलाइड्स एंड कंपाउंड को मेजर करते हैं। नेक्स्ट इज योर पेडोमीटर, से हम स्टेप्स को मेजर करते हैं। ये तो आप अपने फ़ोन में भी होगा, बहुत कॉमन हो गया आजकल पेडोमीटर को यूज़ करना फ़ोन में। जब हम वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं, तो हम अपना पेडोमीटर ऑन कर लेते हैं। नेक्स्ट इज योर पीएच मीटर। पीएच जो है ये पीएच स्ट्रेंथ को मेजर करता है। केमिकल एक्टिविटी, बेसिकली बेसिसिटी जो हमारी होती है, पावर ऑफ हाइड्रोजन को मेजर करते हैं। ठीक है, 7 लेस देन 7 होता है और ग्रेटर देन 7 होता है, राइट। तो लेस देन 7 होगा वो हमारे एसिड होंगे, ग्रेटर देन होगा वो बेस होंगे, और इक्वल टू 7 जो होगा पीएच वो आपका न्यूट्रल होगा। नेक्स्ट इज योर फोटोमीटर। फोटोमीटर से हम एल्यूमिनेंस ऑफ और इरेडियंस मेजर करते हैं। नेक्स्ट इज योर पोलरीमीटर। पोलरीमीटर से हम रोटेशन ऑफ द पोलराइज लाइट को मेजर करते हैं। नेक्स्ट इज योर पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर वोल्टेज को हम मेजर करते हैं। नेक्स्ट इज योर साइकोमीटर। साइकोमीटर से हम ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं, राइट। ये नोट डाउन कर लेना कि हमारे पास दे आर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर द सेम क्वान्टिटी। जैसे ह्यूमिडिटी को हम हाइग्रोमीटर से भी हम मेजर करते हैं, राइट। नेक्स्ट इज योर साइनोमीटर, से हम फ्लूइड डेंसिटी को मेजर करते हैं। नेक्स्ट इज योर पैरोमीटर। पैनोमीटर से हम सोलर रेडिएशन को मेजर करते हैं। नेक्स्ट इज योर पायरोमीटर, से हम हाई टेम्परेचर्स को मेजर करते हैं। नेक्स्ट इज रियोमीटर, रिस्पॉन्स टू द अप्लाइड फोर्स को हम मेजर करते हैं। नेक्स्ट इज योर सैक्ट्रोमीटर, से हम अमाउंट ऑफ द शुगर इन द सोल्यूशन को मेजर करते हैं। सैक्ट्रोमीटर से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज योर सिस्मोमीटर, से हम सिस्मिक वेव, अर्थक्वेक को मेजर करते हैं। कल ही रिसेंटली हमारे लेह लद्दाख में अर्थक्वेक आया 5.4 मैग्नीट्यूड का, राइट। सेक्सटेंट से हम लोकेशन ऑफ अर्थ सरफेस यूज इन द नेविगेशन हम मेजर करते हैं। नेक्स्ट इज योर स्पेक्ट्रोमीटर, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट मेजर करते हैं। नेक्स्ट इज योर स्पेक्ट्रो फोटोमीटर, से हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट एज ए फंक्शन ऑफ वेवलेंथ मेजर करते हैं। नेक्स्ट इज योर स्पीडोमीटर, से हम स्पीड वेलोसिटी को मेजर करते हैं। नेक्स्ट इज योर स्पाइगोमीटर, से हम ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज योर स्ट्रेनोमीटर, से हम सिस्मिक स्ट्रेन को मेजर करते हैं। नेक्स्ट इज योर स्टेडियोमीटर, से हम ऑब्जेक्ट रेंज को मेजर करते हैं। नेक्स्ट इज योर टेक्नोमीटर, से हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं। नेक्स्ट इज योर टेक्नोमीटर, से हम रेवोल्यूशंस पर मिनट, रेट ऑफ ब्लड फ्लो भी हम मेजर करते हैं, राइट। अब हमारे से थोड़े से बच गए हैं, और तो लेट्स सी और जो आपके यूनिट्स बचे हैं वो कितने यूनिट्स रह गए हैं। जल्दी से कंपाइल करते हैं हम इसको, मैं नहीं चाहता ज़्यादा लंबा बने। नेक्स्ट अब जो नेक्स्ट है आपका वो है टेंसियोमीटर, विच इज़ यूज टू मेजर द सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड। नेक्स्ट इज योर थर्मोमीटर, इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर, यूनिवर्सल मेजरिंग मशीन है ये। नेक्स्ट इज योर विस्कोमीटर। विस्कोमीटर इज़ यूज टू फाइंड आउट द विस्कोसिटी ऑफ ए फ्लूइड। नेक्स्ट इज योर वोल्टमीटर, इट्स यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट इज योर वाटमीटर, इट्स यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक पावर। नेक्स्ट इज योर जाइमोमीटर, नेक्स्ट इज विच इज़ यूज टू मेजर द फर्मेंटेशन, राइट। तो ये एस्पिरेंट्स आपके सब जितने भी मेजरिंग यूनिट थे, इंस्ट्रूमेंट, सॉरी नॉट यूनिट, इंस्ट्रूमेंट थे, ये सारे आपके कंप्लीट हो चुके हैं और इनमें से ही आपका क्वेश्चन निकलेगा, राइट। और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो मैं सारे इम्पोर्टेंट यूनिट्स लेके आऊँगा आपके लिए, राइट। और आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ लाइक वीडियो को जितना हो सके शेयर करो और कमेंट करो, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें, ताकि हमारा जो मटेरियल है आपको टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, और बाकी जो हमारा अकाउंटेंसी का मटेरियल है मैम ने बनाया वो भी आपको मिल जाएगा। और जल्दी से ही हमारा क्वेश्चन बैंक आने वाला है, MCQs रहेंगे उसमें सब, Right, so thank you for watching. Have a nice day. See you in the next video. Bye bye.